लोग एक ही शहर से आए हैं। गांव का नाम क्या है? भीम सिंह। शहर एक ही है, मोहल्ले अलग अलग है। शहर माना मॉरिशस से आए हैं। हाँ, मॉरिशस देश का नाम हुआ। देश का नाम है लेकिन उसमें क्लेमोसिया गांव है, मोटाइब्लॉस फिर इकट्ठे कैसे हो गए? आप एक एक के घर गए कोई? अच्छा, अभी लक्ष्मी माता आई है, वो काफी दूर से आती है। अच्छा अच्छा, पूरा हुआ। अभी यहाँ से वापस जाएंगे तब कैसे मिलेंगे? आएगी मिलने। वो तो आएंगे मिलने। जब यहाँ से आप लोग वापस जाएंगे, मॉरिशस वापस जाएंगे, तो आपस में कैसे मिलेंगे? संगठन में है? संगठन क्लास समूह। अभी भी संगठन करते हैं वहाँ? कैसे? साप्ताहिक? रविवार को और गुरुवार को। रविवार और गुरुवार को मिलते हैं। रजिस्टर लाए क्या? नहीं लाए। ठीक है, संगठन करते रहेंगे। संगठन में क्या करते हैं? संगठन में दृष्टि का क्लास चलाते हैं और फिर दृष्टि का क्लास कैसे? दृष्टि का जो सिद्धि है, दृष्टि का जो सिद्धि है। हाँ, सिद्धि है ना दृष्टि का बाबा, टीवी सामने लगा देते हैं। टीवी सामने लगाते हैं। हाँ, और फिर मुरली क्लास सुनते हैं, वार्तालाप सुनते हैं। अच्छा, आधा घंटा याद करके फिर मुरली सुनते हैं। अच्छा, वीसीडी में या डीवीडी में? वीसीडी या डीवीडी में। उसके बाद? उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, कभी कभी वार्तालाप का भी क्लास चलाते हैं? गुरुवार के दिन खासकर मुरली पढ़ते हैं, जो क्लैरिफाइड मुरली जो है उसका खंड खंड पे है। अच्छा, खंड एक खंड दो। उसमें से पढ़ते हैं गुरुवार। अच्छा अच्छा, पढ़कर उसका डिस्कशन करते हैं। जब से निकले हैं आप लोग, नए नए बहन ने समझाया मॉरिशस में बाबा, इसका जन्म से इसका हाथ इसे अपना खुद पर निर्भर करती है। हिसाब किताब पूरा हो रहा है, अपना सब कुछ करती है खुद। हाँ जी, तो लगभग कितने महीने, ये नए लोग जो निकले हैं कितने महीने से निकले हैं? ये 6 महीने से, ये गत साल से, एक साल हो रहा है। एक साल में एडवांस में? हाँ। अच्छा अच्छा, पहले बीके में थे? बीके में थे। कितने साल? 2 साल। 2 साल बीके में थे। और आप? उसके बाद रुक गई थी। है? उसके बाद रुक गई थी, ब्रेक हो गया, छोड़ बीके को छोड़ दिया। अच्छा, फिर गैप देने के बाद फिर एडवांस में आ गए। अच्छा, मैं भी बीके में गई थी। बीके में गए थे थोड़े दिन? हाँ, थोड़ा दिन गई थी। हाँ, घर चले गए जब से कर गई। अच्छा, ये बात ज़्यादा समझ में अच्छी लगी। हाँ। अच्छा, आप तो पुराने हैं। है? 4 साल से एडवांस में? नहीं, बीके में। एडवांस में? हैं, 5 साल से एडवांस में। 5 साल से मन पुराने? और 6 महीने से। बीके में कितने साल चले? नहीं, डायरेक्ट आ गए। डायरेक्ट कोई आता ही नहीं है। आप पूर्व जन्म में होंगे, क्या पता सिंध हैदराबाद में रहे हो। और मैं डायरेक्ट आई। आप भी डायरेक्ट आए? हाँ, 2 साल। अच्छा, बीके से कनेक्शन नहीं हुआ?
अच्छा, एडवांस में आने के बाद फिर आपको बीके वालों से मुलाकात नहीं हुई? नहीं है, या खुद ही जाना छोड़ दिया? खुद ही जाना छोड़ दिया, कभी मुलाकात नहीं है, कभी मुलाकात नहीं हुई बीके वालों से। हाँ, मैं मुलाकात भी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, जब बीके में आप आए थे तो आपने लौकिक घर वाले जो भक्ति मार्ग में चल रहे थे उनसे मुलाकात नहीं करना चाहती? हाँ, घर वालों से तो मुलाकात करना चाहती, घर वालों से तो मुलाकात करना चाहती थी। फिर अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों ने क्यों छोड़ दिया? ये तो कहते हैं हम तो नहीं छोड़ने वाले हैं। है? कुछ परेशानियाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ये अपने पिताजी के साथ आती थी, पिताजी भी के में थे, छोड़ने उनके साथ आती थी। ये अच्छा, दो बहनें आती थी, एक बहने वो तो छोड़ ये अब फिर से आ रही है। और वहाँ से आ करके फिर आप फरुखाबाद, छोटी छोटी बहनों ने सुनाया कुछ भट्टी में कुछ बातें रह गई होंगी जो समझ में नहीं आ रही होंगी? सब संतुष्ट है? हाँ, तो जो रह गई है तो उनको क्लियर करो। हाँ, जो पुरुषों में उत्तम है। हाँ, पुरुषों में उत्तम नारायण जो भी पुरुष हैं, शरीर रूपी पुरी में रहने वाली जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में उत्तम है पाठधारी नारायण। उन्हीं के नाम के आधार पर ऐसा सारे युग का नाम पुरुषोत्तम संगम पड़ गया। फिर उसके बाद नंबरवार पुरुषोत्तम है, और सभी को प्रत्यक्ष होना है पुरुषोत्तमों को, जितने भी हैं जो संगम युग में सृष्टि को पलटने वाली आत्माएं हैं, वो सब पुरुषों में उत्तम है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब पुरुष ही तो हैं। शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्मा है ना, तो उन आत्माओं में उत्तम उत्तम पार्ट बजाने वाली वो 4.5 लाख आत्माएं ऐसी हैं जो शरीर रहते रहते ही जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेती है। इसलिए पुरुषोत्तम है नंबर वन, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम संगम युग है। कोई शंका? शंका है। हाँ, क्या पूछते हैं? शंका है, है? है? क्या शंका? नहीं बाबा, शंका नहीं, नहीं खुश है, बोलते वो खुश है, वो खुश है जानकर। हाँ जी, माना बाबा का जो लक्ष्य है दिया हुआ सभी आत्माओं को, वो लक्ष्य यह है कि बनना है तो पुरुषों में उत्तम बनना है। इसके बाद का जो ग्रेड होगा वो सत्युग में जन्म लेने वालों का होगा, वो पुरुषों में उतने उत्तम नहीं होंगे, उनका ग्रेड थोड़ा गिर जाएगा। उसके बाद जो अगले जन्म में आएंगे उनका और गिरेगा। तो सीढ़ी दर सीढ़ी 84 जन्मों की 84 सीढ़ियों में ग्रेड नीचे होता जाएगा। तो उत्तम से उत्तम कौन हुई? पहली सीढ़ी पे, वो ही पुरुषोत्तम संगम युग। सत्युग में जो 8 जन्म होंगे, 8 नारायणों का राज्य चलेगा, वो भी पुरुषों में उत्तम नहीं है। जो ऑलराउंड पार्टधारी है बाबा, हाँ, जो ऑलराउंड पार्टधारी है वो ही पुरुषों में उत्तम, वो बीज है सारी सृष्टि के, बीज का कभी नाश नहीं होता। तो पुरुषोत्तम है, है?
राम वाली आत्मा तो पुरुषोत्तम है ही है, सारी सृष्टि का बीज है। मुरली माता है, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा माने बच्चा बुद्धि है, बाप माने सगीर है। तो जो ज़्यादा होशियार है शिव बाबा की नज़र में, 500 करोड़ 700 करोड़ में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में वो राम वाली आत्मा है। बाबा मॉरिशस का अर्थ क्या है? गुजराती में कहते हैं मारिस, मारूंगा। यस, हाँ मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बाबा तो किसने मारूंगा? किसको मारेंगे? जीते जी मारेगा और दुनिया वालों की तरह थोड़े मारेगा। पहले बीके आता है, फिर उसके बाद बीबी के आता है, बीबी के आता है। हाँ, अब इसके बाद उसके बाद देवता आता है। पता है पहले बीके ब्रह्मा कुमार, अब ब्रह्मा कुमार तो परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसे पूछा जाए तुम किसके बच्चे हो तो कहेंगे ब्रह्मा के बच्चे हैं। बी माने ब्रह्मा, को माने कुमार, हम ब्रह्मा के कुमार हैं। फिर पूछा जाए अच्छा सही सही बताओ तुम किसके बच्चे हो, फिर कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार। कोई बच्चे से बार बार पूछा जाए तुम किसके बच्चे हो, वो बार बार अपनी अम्मा का नाम बताए, हम अम्मा कुमार हैं, अम्मा के बच्चे हैं, तो लोगों को शक हो जाएगा ना, ये क्या बात है, ये अम्मा का नाम बार बार लेता है, बाप का नाम नहीं बताता है, तो लोग अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? है तो बुरी बात हो गई, इसको अपने बाप का ही पता नहीं, इसकी माँ ने बाप का तो परिचय ही नहीं दिया। पता नहीं, पता नहीं। हाँ तो खराब बात हो जाती है। तो जो बच्चे माँ और बाप दोनों की जानकार है, क्योंकि वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। तो माँ की भी जानकारी चाहिए और बाप की भी जानकारी चाहिए, तो वो प्रवृत्ति मार्ग के अव्वल नंबर के बच्चे हैं। हाँ आगे चल के बीके वाले भी मान लेंगे, क्योंकि मुरली ने बोला है तुम अपनी संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूसुफ विश्वविद्यालय में मत रखना, अगर तुम उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द ऐड रखेंगे तो वो लोग तुमसे लड़ेंगे, इसलिए वो शब्द हटा दो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सिर्फ लिखो आध्यात्मिक यूसुफ विश्वविद्यालय। फिर आगे ये भी बोला आगे चल के सभी सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक यूसुफ विश्वविद्यालय, तो बीजे खत्म हो जाएंगे। तो जो कन्वर्ट हो जाएंगे बीके से पीवी के बन जाएंगे, बाप को पूरा पहचानेंगे, पहचान के से जानेंगे, मानेंगे और उसकी मत पर चलेंगे, वो हो गए पक्के सूर्यवंशी। नहीं मानेंगे तो थोड़े भी होंगे ना बाबा, भले थोड़े निकलेंगे तो, बाकी नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं ब्रह्मा ही श्रेष्ठ है, बाप को हम नहीं मानते, तो चंद्रवंश में चले जाएंगे। बाप में भी संशय है और ब्रह्मा में भी संशय है, तो इस्लाम धर्म में चले जाएंगे। भट्टी करके भी कहीं चले गए हैं, भट्टी करके भी कहीं चले गए। हाँ, फिर वापस भी आ गए, अभी तो नहीं आए। आए आए बहुत आए, हमारे पास से नहीं आए, आपके पास नहीं आए, यहाँ तो आए बहुत, आ रहे हैं, माफीनामे भी लिखते हैं। जैसे एफिडेविट लिख करके निश्चय पत्र लिखते हैं, ऐसे वापस आके माफीनामा भी लिखते हैं।
कि हमसे भूल हो गई, आप नहीं छोड़ेंगे। एक बार तो माफ कर दिया। किसको माफ कर दिया? जो आई है, जो जो ये ज्ञान सुन के चले गए। हाँ, हाँ। तो फिर आके माफी मांगी। एक बार तो कहते एक बार माफ, दो बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं होगा। एक बार टूट गया, फिर दूसरी बार भी टूट गया। दूसरी बार टूटने के बाद भी अगर आएगा तो बाबा माफ कर दे। अच्छा अच्छा, और फिर पुरुषार्थ करो, हिम्मत करो। दो बार के बाद फिर तीसरी बार अगर टूट गया फिर खेल कर चांस ले। जन्म जन्मांतर के लिए वंचित हो जाए, जन्म जन्मांतर के लिए वंचित हो जाए। हाँ जी बाबा, मॉरिशस में भी डीके वाले हाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना रहे हैं। हाँ बिहार में जानकी दादी आई, वो मालूम है क्यों बना रहे हैं? हाँ बाबा है। वो मालूम है क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वहाँ भी वो बोलते हैं शंकर पार्टी। हाँ, उनको शंकर पार्टी बोलते हैं। अगर उन्हें शंकर पार्टी का डर न हो तो वो सेवा एवा कुछ नहीं करना चाहते। असली सेवा तो है बाप का पहचान, बाप को पहचानना और सारे संसार को बाप की पहचान देना। हमारे परिवार में से है कोई भी है वो वहाँ जाते हैं। तो उनके ऊपर तो प्रेशर पड़ रहा है क्या एडवांस पार्टी का, इसलिए इसलिए बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। हाँ। और उनमें वो बड़े बड़े प्रोग्राम में भक्ति मार्ग में निकलते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा पब्लिक के लोग हमारी तरफ खींचे, ज्ञान मार्ग को छोड़ते जा रहे हैं। बाबा तो जैसे यहाँ हड़कंप मचा रहे हैं। हाँ वहाँ पर भी हो सकता है। वहाँ भी होगा, बाबा का ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा होगी। वहाँ से तो शुरुआत हुई है, रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत वास्तव में हुई कहाँ से? यज्ञ के आगे से, वहाँ ज्ञान था। ज्ञान माने समझ, बाप की पहचान थी तो फिर ज्ञान गाएगा। जब से बाप की पहचान हुई और जहाँ से बाप की पहचान शुरुआत हुई वहाँ से असली ज्ञान यज्ञ कुंड हुआ। उस यज्ञ कुंड से द्रौपदी ने जन्म लिया। तुम सब द्रौपदियाँ हो, तो द्रौपदियाँ कौन हुई? माउंट आबू बैठी हुई द्रौपदियाँ हो गई? एडवांस में द्रौपदियाँ थोड़ा डीके वाले जो हमारे देश के हैं वो लोग भी थोड़ा सावधान हो गए हैं। किस बात से? घर के लोग थोड़ा थोड़ा निकल कर सब इधर आने लगे आएंगे? जब से ये पर्चिया दिया है हम लोग बहुत आएंगे आएंगे। अब कोई निकलने भी चाहते हैं तो वो लोग डांट के रखते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि हम तो अच्छा दिन से नहीं जाते हैं, वहाँ के समाचार के परिवार देते हैं। एडवांस ज्ञान में डायरेक्ट आना अच्छा है? ज्ञान में डायरेक्ट आना अच्छा है? नहीं नहीं, एडवांस ज्ञान में डायरेक्ट आना ज़्यादा अच्छा है कि डीके? डायरेक्ट कोई नहीं आता, कोई नहीं आता डायरेक्ट, कोई नहीं आता डायरेक्ट। आप ये कहते हैं हम डायरेक्ट आए, लेकिन डायरेक्ट नहीं आए ये दोनों, ये पूर्व जन्म में थे। हाँ ये डीके बन चुके, धक्का खाना नहीं पड़ा। हाँ हाँ, इस जन्म में धक्का नहीं खाना पड़ा। आज इस जन्म में धक्का नहीं खाना पड़ा। उनके साथ हिसाब नहीं बनाना, आज आज जो डायरेक्ट आए उनका हिसाब उनके साथ नहीं बना इस जन्म का। बाबा राज करेंगे खालसा? राज करेंगे, राज करेगा खालसा। हाँ खालिस कौन है दुनिया में? इतने विधर्मियों का राज्य फैला हुआ है, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियंस है ना, सारे विधर्मी है ना। लेकिन जब विनाश होगा, कयामत होगी, तो कौन राज्य करेगा? खालसा राज्य करेगा। जो खालिस होगा सो राज्य करेगा। खालिस माने शुद्ध,
पवित्र, जो मन बुद्धि से पवित्र होगा, कैसा पवित्र, जैसे कमल फूल होता है, कीचड़ में रहता है, रहेगा कीचड़ में, लेकिन मन बुद्धि से उपराम, ऐसे नहीं कीचड़ में बुद्धि लगी हुई है, बुद्धि फिर भी बाबा में लगी हुई है। इसलिए गहने कमल फूल का हमारा, हमारे भारत का नेशनल फ्लावर कौन सा है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? अरे अभी तो बताया, कमल का फूल है। विष्णु के हाथ में कौन सा फूल दिखाते हैं? कमल का फूल दिखाते हैं। कई तरह के होते हैं ना, कमल के फूल। हाँ, कई तरह के होते हैं, काले भी होते हैं, काले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, हर एक काम का उसका अपना अलग अलग। हाँ, सात रंग हैं तो सात रंग के होने चाहिए। मान्यता किस तरह, क्योंकि दुनिया के बीज तो वो ही है, सारी दुनिया निकलती कहाँ से है, सारी दुनिया सूर्यवंशी में ऐसे ही तो पैदा होती है। पूछ रही है मान्यता किसकी है, पूछ रही है मान्यता किसकी है, सात रंग किस कलर की, सात रंग, सात रंगों में मान्यता किसकी है, सभी की मान्यता है, आठों की, अष्टदेव की मान्यता नहीं है, अष्टदेव की भी मान्यता है, सबकी अपनी मान्यता अपनी 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 जगह पर अलग है, अपना अपना स्थान है, अपना अपना समय है, अपना अपना पुरुषार्थ है। बाबा, इसका अक्सर एक प्रश्न रहता है, ये भक्ति में बहुत शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करती थी, तो अब जब आई इधर ज्ञान समझाया तो कहा कि शिव बाबा क्या कर सकते हैं, हमेशा बोलती है कि शिव बाबा क्या कर सकते हैं, शिव बाबा क्या कर सकते हैं, शिव बाबा टूटा हुआ हाथ साबित कर सकते हैं। अगर आप अंत तक चलते रहेंगे हैं और जीते जी आपकी कंचन काया बनेगी तो दांत उखड़ गए होंगे वो भी जम आएंगे, हाथ तो हाथ की बात रही, बुढ़े भी नौजवान बन जाएंगे। डटे रहने की बात है ना। बाबा, एक दल में दो बीच है, एक दल में एक, एक जड़ में, एक दल में दो बीच है, एक जड़ में क्या एक दल में दो बीच है और एक दल में एक, माना वो क्या, एक दल में दो बीच है, दो दल है, हाँ कौन से दल, प्रवृत्ति मार्ग में दो दल हैं, निवृत्ति मार्ग में एक दल है, तो हाँ श्रेष्ठ कौन है, प्रवृत्ति वाला श्रेष्ठ है। रुद्रमाला है वो तो सिंगल की माला है, वो परिपूर्ण होती नहीं, इसलिए रुद्रमाला के मन के जब तक विजय माला में ऐड ना हो, माला पूजनीय नहीं है, पूजनीय वो ही बनते हैं जो युगल मन के बनते हैं, दोनों माला साथ में, यानी है? दोनों माला साथ चाहिए, दोनों साथ में संस्कार मिले हुए हों तो पूजनीय। आप आजकल घर घर में झगड़े हैं बाबा, हमारे यहाँ कोई पांडव निकल ही नहीं रहा है, है? कोई पांडव शक्ति भवन बना दो, जब तक पांडव कोई नहीं निकलता तब तक शक्ति भवन अच्छी बात है। बहुत से लोग आते हैं, फूल लेते हैं, दीदी से चला जाते हैं,
फिर आ जाएंगे। सब तक राह दिख रही है, कोई कम नहीं करेगा। एक बार आया है वो दोबारा आएगा जरूर। और मॉरिशस कब आएंगे बाबा? हैं? मॉरिशस कब आएंगे? कितनी ऐसी माताएं हैं जो भर्ती करने आने के लिए वो लोग सोचते हैं वो लोग प्लेन में जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। क्यों? किसी का पैर बीमार है, बहुत लोग बीमार है, बीमार बेहद ज्यादा है। बाबा से लौ लगाते लगाते बिहन खत्म हो जाएंगे, आ ही जाएंगे। इसका भी आने का अंदेशा नहीं था। आजा आगे ठीक है, ये भी बीमार आते आते आ गए, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आए, आ गए। भले भले फर्क का बात कि बम्बोर में आग लग रही थी। तो वहाँ के प्रशासन ने रोका नहीं आपको? नहीं कि नहीं आपको जाने देंगे? नहीं, नहीं रोका बाबा। इस बार ऐसा हुआ कि 4 सप्ताह पहले हमको ये टिकट भी मिल गए, वीज़ा भी मिल गए, ऐसा कभी नहीं हुआ था। कोई कठिनाई नहीं हुई? हाँ बाबा जानता है ना कि फरुखाबाद में जाकर के इनकी परीक्षा होगी, देखेंगे तो मजबूत रहते हैं कि नहीं, हम भाग खड़े होते हैं कहीं हम ना फंस जाएँ। लेकिन हम घबराए नहीं, हमको तो जिस दिन अगले दिन निकलना था घर से तो रात्रि में मेल चेक किया मैंने, तब पता चला यहाँ का समाचार मिला। अच्छा अच्छा, घबरा करते हैं। इंटरनेट से पता चला? मेल से। हिसाब किताब क्यों पूरा नहीं होता है? पूरा नहीं होता? 63 जन्म के हिसाब किताब कोई कम है क्या? 63 जन्मों में कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब बन जाता है, एक जन्म में ही कितना लंबा बन जाता है, और 63 जन्म की तो बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी आपका एक जन्म में ख़त्म हो रहा है 63 जन्मों का हिसाब किताब, कम बात है क्या? एक जन्म भी पूरा नहीं, थोड़ा टाइम ज्ञान में रहते हैं। हैं? हाँ बाबा से भी मिलना होता है, परिवार से भी मिलना होता है। ये भी पता चलता है कि 84 जन्मों में हमारी दुनिया किन के साथ होगी। हर एक आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी दुनिया है ना। आपकी जो दुनिया होगी उस दुनिया में जितने भाती जितनी आत्माएं आपके संसर्ग संपर्क में संबंध में आने वाली होंगी 84 जन्मों में, वो हमारे में थोड़े ही आएंगी। हमारे संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं अलग, हमारी दुनिया अलग, आपकी दुनिया अलग, उनकी दुनिया अलग। आपकी तो दुनिया बुरी है, लेकिन है तो सबसे न्यारी, किसी से मिलेगी तो नहीं। बाप की दुनिया जो है और 500-700 करोड़ जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं की दुनिया से मिलेगी क्या? नहीं, सबकी दुनिया अलग अलग। तो अभी ये जन्म तो कितना भाग्यशाली जन्म है जो हम इस जन्म में पहचान सकते हैं कि 84 जन्मों में हमारा कौन कौन से साथी होंगे, हमारा संसर्ग है, हमारा संपर्क है, हमारा संबंध है किन किन आत्माओं के साथ जुड़ेगा, अभी संगम में जान सकते हैं। जाने नहीं जाने, नंबर बार जाने। पूरा परिवार निकलेगा? हाँ निकलेगा, क्वेश्चन से आता है। हाँ निकलेगा। आपके परिवार वालों को जब ये पता चलेगा हमने नहीं पहचाना और आपने पहचाना, अखबारों में निकल जाएगा, टीवी में निकल जाएगा, रेडियो में निकल जाएगा, इंटरनेट में चारों तरफ फैल जाएगा कि बाप आया हुआ है, तो उन आपके परिवार वालों को खुशी नहीं होगी? हैं? खुशी होगी। देखो हम नज़दीक नहीं हैं उनके, लेकिन हमारी माता नज़दीक है हमारे परिवार की,
तो सारे ही चलने लग पड़ेंगे। आपको उस समय ठुकराएंगे वो लोग? नहीं ठुकराएंगे आपको, तो और गले लगाएंगे। नहीं, अभी भी वो लोग हमें नहीं ठुकराते, फिर अभी भी वो लोग हमें गले लगाते हैं। अच्छी बात है, सब लोग बन के रहते हैं। और कभी भी आते हैं हमारे यहाँ, तो जो भी है हम देते हैं, तो सब लोग क्या फिर। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बाबा सीडी में वो सुनते रहते हैं बाबा की आवाज़। अच्छा, लेकिन खींच अपने आप खींच करके नहीं आते, खींचते नहीं हैं। आप सबको राजा बना देंगे आप क्या है? आप सबको राजा बनाएंगे क्या? प्रजा में किसी को नहीं जाने देंगे है? प्रजा ज़्यादा बनेगी कि राजा ज़्यादा बनेगी? प्रजा बहुत बनेगी। 4.5 लाख में राजा बनने वाले तो 108 ही होंगे। राज घराने में जन्म लेने वाले 16108 होंगे, बाकी तो सारी सारी प्रजा। अगर आपके ही घर वाले सब आ जाए, आपके भी घर वाले सब अभी आ जाए, आपके भी आ जाए, जितने यहाँ बैठे हैं उन सबके घर वाले सब अभी अभी आ जाए और पुरुषार्थ कर लें शुरू, तो सारे राजा बन जाएंगे। फिर एक मुरली पढ़ी थी कि उसमें है, एक मुरली पढ़ी थी बाबा एक दिन टेलीविजन पर भी मुरली चलाएंगे, देखेंगे। हाँ, काय पे? टेलीविजन पर भी आप मुरली चलाएंगे, सभी लोग देखेंगे बाबा मुरली चला रहे हैं टेलीविजन। टीवी माना लाइव टीवी। इधर इधर शूट होता जाए, उधर सारी दुनिया में वो टीवी में या चैनल में निकलता जाए, वो मतलब है बाबा का। है बाबा तो वो गुप्त है। हाँ, अभी तो गुप्त बात चल रही है। अब टीवी में आएंगे तो वह उस तो गुलजार दादी में आते हैं तो वो भी टीवी में आ जाता है, तो वो थोड़ी तो अभी प्रत्यक्षता नहीं हुई है। जब प्रत्यक्षता होगी उस समय की बात। जैसे अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो किसी देश में जाता है तो सारी दुनिया में उसका भाषण रिले हो जाता है ना, उसको कहेंगे टीवी में आएगा। हम लोग आए थे मरीसा से यहाँ का शनिवार के निकला आने के लिए। हाँ, तो दादी जानकी गई है वहाँ मरीसस में। हाँ, गई है। और आप इधर आए? वो आपके घर में डाका डालने के लिए गई है क्या? बाबा है ना। अच्छा, तो वो परिवार से पता चलता है अगर कोई बड़ा तो नहीं। टीवी लाइव में हम लोग टीवी पर भी बात करती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि होता है टीवी उठाने आते हैं टीवी चैनल्स में। हाँ, तो प्राइवेट चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स में जो पैसा देगा उसका डाल देंगे। नहीं, अभी यहाँ कॉन्फ्रेंस जो हुआ है थोड़ा समय से वो लोग जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी जो है मॉरीशस की, हाँ, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ करते हैं उसी भवन में। एमबीसी वो जहाँ पर है, तो एक एक खास जगह में है। बाबा ने एक मुरली में एक वाक्य बोला है, आज की दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं, आज की दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो टीवी में काम कर रहे हैं, चाहे रेडियो में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी विभाग में डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, छोटे ऑफिसर हैं या बड़े ऑफिसर हैं, जब बाप आते हैं वो सारे ही दुनिया के बड़े लोग महापुरुष बन जाते हैं। ये मुरली का वाक्य है। देखो फरक्काबाद में कितने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं सब। हाँ, अभी महामूर्खता कर रहे हैं कि होशियारी कर रहे हैं? मूर्खता कर रहे हैं, बस मीडिया वालों ने चक्कर चला दिया, नोट ले लिए। हाँ, मीडिया वालों ने नोट ले लिए और जैसा नोट मिले ऐसा छाप दिया, बस सारी बुद्धि घूम गई। अब उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं, इधर पब्लिक भड़क गई। पब्लिक भड़क गई
ओ बाबा के चारों तरफ इधर उधर चौराहों पर पुतरी जलाना शुरू कर दिए, बंद करो बंद करो बंद। अब बाबा का ऊपर कोई अभियोग ही नहीं है, जब अभियोग साबित होगा तभी तो बंद करेंगे। तो प्रशासन वाले भी फंस गए, प्रशासन वाले खुद फंसे हुए हैं, और पब्लिक भी बरगलाई गई, और मीडिया वाले तो जानते ही असलियत क्या है, क्योंकि उनको तो नोट मिल रहे हैं। आखिर में तो सत्य जीत तो सच्चाई की होगी, तो पूछने की बात है क्या तो बाबा ने बोल दिया तुम बच्चों की आखिर में जीत जो है मिली हुई है, तब तक है तुम्हारी परीक्षा। अब परीक्षा में कौन कितना पास होता है, कौन भाग जाता है, भाग के भी जाएंगे कहाँ, ये समय दिखा इस दुनिया में कहाँ शेल्टर है जहाँ भाग के जाएंगे, मरना तो सभी को है। परीक्षा आ जाती और खुश होना चाहिए, ज्यादा परीक्षाएं पास करेंगे तो हमें ऊंचा पद मिलेगा, ज्यादा नंबर आएंगे उस पद मिलेगा, अच्छी बात है। और हम लोगों तो बहुत खुश होना चाहिए, हमें तो ऊंचे से ऊंचा उस्ताद मिला हुआ है शिव बाबा है। बाबा वाणी में मैंने वाणी में बोला बाबा फिजिकल में आपको जीत नहीं है, आत्मी बल से जीत है सब में, मतलब आत्मा बल में बल में जीत है। आप फिजिकल में कुछ भी काम करोगे उसमें जीत तुम नहीं करते, वो तो सारा दुनिया वाला फिजिकल में तो करते रहते हैं, वो तो दुनिया वाला तो फिजिकल में बिलीव करते हैं, ठीक है। इसलिए बाबा बोल रहे कोई भी आप लोगों को पहले फिजिकल में बोल के खींचने के पहले मनसा से बाबा का द्वारा खींचो, ये बहुत बल है, बाबा ने खुद बोल रहा है, बड़ा पुरस्कार है ये, इसके बारे में आप सीख अच्छी बात है। और अमृत वेले बैठ करके बैठे बैठा खींचो और सबसे बढ़िया बात है। ज्ञान में फ्लक्चुएशंस होती है, तो ज्ञान में फ्लक्चुएशंस होती है, फ्लक्चुएशंस मतलब वो तो ठीक है, फ्लक्चुएशंस मतलब कभी से ज्ञान चले जाता है, कभी हाई, कभी आ जाता है लो, नहीं वो तो है एकदम ज्ञान में बुद्धि घूमती रहती है, कुछ मालूम ही नहीं, ऐसे हो जाता है, पूर्व जन्म के हिसाब किताब नहीं है, 63 जन्मों में कभी हम विकारों में ज्यादा घुस गए तो बुद्धि मिट्टी में गई ना, नहीं चलेगा, रेल में बुद्धि नहीं घूमेगी। और जहाँ वहाँ से निकल करके सत्संग में आ गए, भक्ति में लग गए, अच्छे अच्छे कार्यों में लग गए, जन कल्याण के कार्यों में लग गए किसी जन्म में, तो वो रील जब घूमेगी अच्छा एकदम अच्छा ही अच्छा चलेगा, ये फ्लक्चुएशन होता ही है और सबके जीवन में हो रहा है। लेकिन अगर ये भी बोला गया कि किचन में रह के भी हम मतलब इसमें मन चिंतन मंत्र चलना चाहिए, तो इसके हम चाहें कि अभी चले तो नहीं चलेगा, पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे उदय होंगे तो अच्छा मंथन चलेगा, संस्कार उदय न हुए मतलब बैलेंस, बहुत गंदा काम किया होगा और वो रील घूम गई तो कितना भी कोशिश करो मंथन मंथन कुछ नहीं चलेगा, बाबा की याद भी नहीं आएगी। हाँ, नहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा, बैलेंस बनाने के लिए कुछ भी होता रहे सब तज हरे बाजू, बैलेंस बन जाएगा। लौकिक अलौकिक दोनों में दो बातें, एक तो स्मृति का अभ्यास न छोड़े और दूसरी बात ये सब मरे पड़े सब क्लास क्या कोई काम आने वाले नहीं है, फिर भी कुछ अभी टेम्पररीली कुछ निपटाने के लिए तो करना पड़ता है ना, मतलब पावर बेलना पड़ता है तो करो ना, कौन मना करता है करो, लेकिन वो करेंगे तो ये चले जाता है, ऐसे हो जाए मतलब जाने दो फिर करेंगे। अच्छा हां आर्यन हिम्मत नहीं वो
मतलब ऐसे ऐसे होते मतलब फ्लक्चुएशन होते ही रहता है, होता रहता है सबके जीवन में होता है, फ्लक्चुएशन होना बंद हो जाएगा तो हमारी आत्मा संपूर्ण हो जाएगी। गीता में एक श्लोक आया, यथा दीपो निवातस्थो निंगते, जैसे दीपक होता है हवा नहीं चल रही है, एकदम हवा रुकी हुई है तो दीपक की लौ एकदम जगती रहेगी, हवा चल रही है तो यूं 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 हिलेगा। तो ऐसे ही हमारी आत्मा की ज्योति बिल्कुल स्थिर हो जाए, न हवा के झोंके से इधर जाए न हवा के झोंके से इधर जाए, स्थिर हो जाए। उसके लिए क्या? तब प्रैक्टिस, इस दुनिया से बहरा लेकिन आकर्षण खींच लेते हैं वो आकर्षण तब तक खींचेंगे जब तक 63 जन्मों का हिसाब किताब चलता रहे। लोग अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं बाबा, लोग अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों की बात छोड़ो, हम छोड़ना चाहते हैं वैसे हमारे गांव हम छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, हमसे भी तो नहीं छोड़ा जा रहा, अगर छोड़ा जाए तो हमारा अमृत वेला बढ़िया क्यों नहीं हो जाता? और दूसरी बात है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, मतलब ज्ञान भी चाहिए हमें, ये मतलब ये लौकिक वाली चीज लौकिक भी चाहिए, अलौकिक भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, तो इस वजह से मतलब निकल जाती है, बैलेंस निकल जाता है, चाहिए चाहिए खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी हमारे गांव में बाबा कई घर खाली है। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा है कि कोई नहीं है घर में, एक माँ थी तो वो भी चली गई, अच्छा मतलब शरीर छोड़ दिया, घर बंद है, ताला है उसमें, और कहीं पर कोई ही नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, सब छोड़ छाड़ के शहर में चले गए, शहर में नहीं चले गए मतलब कि जो मर गए खत्म हो गए, और जो जो है भी कोई तो वो भी समझ लीजिए वो लिस्ट में है, अब वो भी घर खाली पड़ा हो किसी के और के यहाँ, अब वैसे कई ऐसे लोग हैं, कई माताएं हैं जो अकेली रहती हैं घर में, कई जगह घूम घूम कर गए, एक मिनी मधुबन करने के लिए घर लेना चाहते हैं कहीं से, तो घर से थोड़े मिनी मधुबन बन जाए, देने को तैयार भी नहीं होता। मिनी मधुबन बनाने के लिए तो चैतन्य ईंटें तैयार करिए, है ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो स्थूल मकान तो अपने आप तैयार हो जाएगा। ज्ञान में बुलाते भी है, अकेले रहते हैं घर में, बुलाते भी है तो हाँ हाँ करके टाल देते हैं, कोई नहीं टालने दो, हम संदेश देते रहेंगे। मुरली में तो यही बोला, 100 को संदेश देंगे, 100 को सुनाएंगे तो 2 उसमें से निकलेंगे, 1-2 निकलेंगे उनमें 1 टूट जाएगा तो भी 1 तो बच ही जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ करते रहें, दौड़ते रहें, पुरुषार्थ की दौड़ है। बाबा, जब सुनने वाले ना मिले तो किसको ज्ञान सुनाए? जब सुनने वाले ना मिले हाँ तो किसको सुनाए? तो छोटे छोटे बच्चों को सुनाना शुरू कर दो। अगर मिनी मधुबन है कोई किसी के पास, मिनी मधुबन है किसी के पास, हाँ अगर उसके लौकिक परिवार साथ में रहते हैं, लौकिक परिवार वाले साथ में रहते हैं, नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, लौकिक परिवार नहीं रहते, अगर किसी के घर में उसका परिवार है, हाँ वो मधुबन खोलना चाहते हैं अपने, मधुबन तो दूर है, पहले गीता पाठशाला तो चला के देख लें, हाँ गीता पाठशाला तभी चलेगी जब विरोधी न हो उस माहौल में, गीता पाठशाला ना लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में एक धर्म के होंगे या सारे धर्म के आपस में लड़ेंगे बैठ करके, है संस्कार मिलने चाहिए ना। जब ज्ञान बुद्धि में नहीं डरानी मक्खी का आवाहन करना, ज्ञान बुद्धि में नहीं होता है नहीं। तो क्या करना?
रानी मक्खी का आह्वान करने की बात में ना रहे तब नहीं, ज्ञान बुद्धि में नहीं भी रहा वो हुआ है तो भी क्या है। हम जैसे किसी आत्मा को, जैसे हमारा बच्चा है ज्ञान में नहीं चलता है, हम ज्ञान में चल पड़े, बच्चा लौकिक दुनिया में चल रहा है, हमारी बात नहीं सुनता है, तो जब कोई तरीके से नहीं कोई सुनता है तो बाबा ने कहा मनसा से आधा पौना घंटा रोज अमृत वेला बैठो और उसको सर्च लाइट दो। तो ये काम कोई करता ही नहीं। तो जैसे वो बात है वैसे ये बात है विजय माला के आवाहन करने की। विजय माला का आवाहन करने का मतलब कोई विजय माला की हेड को याद नहीं करना है, लेकिन उसको सर्च लाइट देना है ताकि खींचे सच्चाई की तरफ। अभी झूठे लोगों ने कान पकड़ा हुआ है तो बस झूठे लोग जैसे चला रहे हैं वैसे चल रही है। इसलिए मुरली में बोला है त्रिमूर्ति में तीन शेर नहीं है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। बाबा तो अफ्रीका में भी एडवांस क्या है शुरू हो गया है, है? अफ्रीका में हाँ एडवांस ज्ञान लिटरेचर तो सब जगह पहुंच रहा है ना। इंटरनेट से असलियत तो सब जगह पहुंच रही है ना। एडवांस ज्ञान सब जगह नहीं पहुंच रहा है, सारी दुनिया में हर देश में पहुंच रहा है, लेने वाले खींच रहे हैं। तो कोई तो सच्चे ब्रह्मा कुमार भी होंगे कि सारे झूठे होंगे, असली हीरे होंगे कि नहीं दुनिया ब्राह्मणों की दुनिया में है। तो सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जा रहे लोग। हीरा माने ज्ञान की चमक मारने वाले। किस दुनिया से होंगे, बीके दुनिया से, बीके जगत से। बीके जगत में एडवांस वाले नहीं है, लेकिन सच्चे माने सूर्यवंशी नहीं है, सूर्य की औलाद नहीं है। सूर्य की औलाद एडवांस में है, लेकिन चंद्रमा की औलाद तो है। चंद्रमा की औलाद में भी ज़्यादा परसेंटेज चंद्रमा को फॉलो करने वाले तो हैं, ऐसे थोड़े ही है कुमारगंज आदि को ही सब फॉलो करेंगे या जगदीश भाई को सब फॉलो करने वाले होंगे या रमेश भाई को सब फॉलो करने वाले होंगे। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। मैगज़ीन में मैंने देख रहा था सारा पब्लिक आल्सो दे आर राइटिंग, वो पब्लिक भी उसमें राइट ये ज्ञान के बारे में लिख रहे हैं। हां सिर्फ बीके के राइटर्स नहीं लिखते, बाहर का भी जनरल पब्लिक भी उसका उसमें मैगज़ीन में लिख रहे हैं। मैगज़ीन में पत्रिका बीके वाले ब्राह्मणों की ही बात नहीं डालते हैं, बाहर की दुनिया वालों की भी बात डालते हैं। आसान हो गया, आराम हो गया, ये भी अनजान आदमी से भी लेक्चर ले रहा है। जो विस्तार में जाने वाले हैं उनको विस्तार में जाने दो, हमारा काम है सार में टिकना। और सार में टिकने का मतलब है सार माने माला। क्या हमें क्या करना है, हमें तो राजधानी तैयार करना है जल्दी से जल्दी। ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा परिवार बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। अब भिखारी घुसे हुए हैं उसका कारण है कि हमारे अंदर इम्प्योरिटी है, इसलिए उनको भी मौका मिल रहा है। जिसके एक बार मुरली में बाबा ने बोला जिसके योग अच्छा नहीं है उसका ज्ञान भी अच्छा नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए? योग तो अच्छा तब होगा जब पहचान होगी, बाप की पहचान होगी तभी तो योग अच्छा होगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कहें हमारा योग बहुत अच्छा है, बाप को पहचाना है? नहीं। जब बाप को ही नहीं पहचाना तो योग कहाँ से अच्छा होगा? जितना गहराई तक बाप की पहचान होगी उतना ही याद भी अच्छी होगी। हाँ
है, नीचे उतारना है, मधुबन को नीचे उतारना है, मधुबन को परम धाम को, परम धाम को नीचे उतारना है, मधुबन को नहीं, परम धाम को नीचे उतार लो। तुम बच्चे परम धाम को भी नीचे उतार लेते हो, माना परम धाम में क्या है, बिंदी 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 आत्माएं हैं। तो बिंदी बिंदी आत्माएं अगर हम यहीं पर देखने में आने लगे, सबकी बुद्धि में जो भी बैठे हैं सामने, जो भी सभा में बैठे हैं, सबकी स्मृति में बस मैं आत्मा ज्योत बिंदु, मेरा बाप, जैसे क्राइस्ट परम धाम से सीधी उतरती है आत्मा, तो चेहरा कैसा दिखाई पड़ता है, जैसे आत्मा की स्थिति में टिका हुआ है। जैसे महात्मा बुद्ध, नई आत्मा उतरी ना, तो आत्मा कहाँ टिकी हुई है, जैसे परम धाम में टिकी हुई है, आत्मा की स्थिति में स्थित गुरु नानक, चेहरे को देखने से ही मालूम पड़ता है कि बस वो आत्मा की स्थिति में पक्के हैं। तो ऐसे ही हम लोगों की भी ऐसी प्रैक्टिस करते करते अवस्था बन जाए, क्या दुनिया में कैसी भी हलचल होती रहे, लेकिन हमारी अवस्था नीचे ऊपर न हो, आत्मिक स्थिति में स्थिर, तो परम धाम हो गया। अब परम धाम ऐसा कहाँ बनेगा, इस दुनिया में तो बन नहीं सकता, क्या कहाँ बनेगा, इसका स्थान निश्चित है, जहाँ से इस ज्ञान की शुरुआत हुई है वहीं से बनेगा। कहाँ से शुरुआत हुई, 1947 में ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश करके जब से वाणी चलाना शुरू की, तो उसका स्थाई रूप माउंट आबू में आके बना ना, वहीं से ब्रह्म वाक्य शुरू हुए, और वो ब्रह्म वाक्य अब विस्तार को पाते जा रहे हैं, वो ज्ञान विस्तार को जा रहा है, विस्तार को जाते जाते एक एक पत्ते की प्रख्याति हो जाए, 500 करोड़ पत्तों का पार्ट खुलने लगे, फिर वहाँ उनमें से देखा जाएगा कि वो बीज रूप आत्माएं कौन सी हैं जो पहले जन्म की हैं, हाँ वो आपने आत्म की स्थिति में टिकी हुई होंगी, उन्हें न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न घूमने की चिंता, बस मलंग पड़े, पहाड़ को पीठ कुर्सी बना देंगे, उन्हें गद्दों की जरूरत नहीं, तकिए की जरूरत नहीं, बाबा भी तो बैठ ही नहीं पाते हैं, बैठ ही नहीं पाते हैं, बाबा ने तुम्हारा शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा आत्मा पावरफुल, ऐसी भी स्टेज आएगी। कौन से लोग कहते हैं कि मधुबन हमारा है, तो बाबा में कहा है कि सबको निकलना है, ये छोड़ते कहाँ है, है? कोई देह के पदार्थों में लिप्त हैं, छोड़ नहीं सकते, देह के पदार्थ चाहिए अच्छे 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 अच्छे, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि मधुबन वो लोग का है, कोई अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, सब कुछ है, देहधारियों में फंसे हुए, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी बहू, मेरा नाती, मेरा पंती, कैसे छोड़ूं? ये सब कोई देह के पदार्थों में भी नहीं फंसे हैं, देह के संबंधियों में भी नहीं फंसे हैं, नहीं सोने की जंजीर में बंध गए, दीदी दादी को हम कैसे छोड़ें? अरे हम तो 60 साल से चल रहे हैं, जिनके साथ चले हैं अब हमें दूसरा नहीं चाहिए, भगवान भी मिल जाए तो हमें नहीं चाहिए। ये प्रश्न किसी ने किया
ये प्रश्न किसी ने किया हमसे, हमने कहा कि चलो देखो यहाँ ये कार्य हो रहे हैं, वो कहा नहीं यही ठीक है। और इस पर हमको क्या करना है? हाँ? इस पर हमको क्या करना है? मनन चिंतन मंथन करना है? है? आप साप्ताहिक कोर्स दे करके ही तो ये प्रश्न हल कर आए हैं। जो इसमें जो 8 बातें हैं, इन 8 बातों को जिनको आपने सुनाया है, समझाया है, इन 8 बातों को मानने से कोई इनकार कर रहा है? सुनाएंगे, भले आप सुना दिया, इनमें से कोई मना कर रहा है कि हम नहीं मानेंगे इन बातों को, झूठी बातें हैं? आपने समझाया है ना, तभी तो मान रहे हैं। लेकिन ऐसी स्टेज इनकी आ जाए कि इन बातों के ऊपर दूसरों को भी समझाना शुरू कर दें, वहाँ दीदी भी बोल रही है, परसों दीदी भी वहाँ बोल रही है, हाँ, वो जो शंका दीदी है, हाँ हाँ, वो भी ये सब सुना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो ऐसी ऐसी बात हुआ। कई बार हम देखते हैं बाबा, मेरे पास छोटे बच्चे भी हिंदी पढ़ने आते हैं, फर्स्ट स्तर के आते हैं, कॉलेज के बच्चे भी आते हैं हिंदी पढ़ने, तो कभी हम देखते हैं ये ज्ञान की बात छोटे बच्चों को समझाते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं, बड़ों को बार बार समझाने, ज्ञान के बच्चों को समझाएंगे जल्दी समझेंगे, कन्याओं को समझाएंगे, ढेर सारी कन्याएं समझेंगी जो एक दूसरे में हिलक गए, पति पत्नी में, पत्नी पति में, बाल बच्चों में, संबंधियों में जकड़े पड़े हैं, उनकी बुद्धि में बैठती नहीं, नहीं बैठता। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी ऐसे ही है, सब सोने की जंजीरों में जकड़ गए, आप उनको सुनाना चाहें सुन भी लेंगे, हम छोड़ नहीं सकते, पकड़ के बैठ गए। किसी भी सीरीज में जो मतलब बोलते हैं बाबा बोलते हैं भी सीरीज में, किसी भी सीरीज में एकदम से पूरी वाइब्रेशंस फेंकता है, मतलब वाइब्रेशंस फील होते हैं, मतलब किसी सीरीज में ऐसे होती है। हाँ, और किसी सीरीज में, किसी सीरीज में और सामान होते हैं। हाँ, ठीक बात है, माने किसी सीढ़ी में रीडिंग है, सिर्फ रीडिंग है, और किसी सीढ़ी में ढेर सारा क्लेरिफिकेशन भी है और वाइब्रेशन बढ़िया बढ़िया। और दूसरी बात है, ये निराकार के तरफ से है क्या, ये साकार के पुरुषार्थ के तरफ से है? पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? निराकार। उसको जिस समय जब जो पढ़ाई पढ़ानी होती है पढ़ाता है, लेकिन वो स्टेज मतलब फेस, हाँ, तो वो मतलब वो पूरा शक्ति जो भी शक्ति है वो ले लेता है, मतलब ऐसे भी होता है, भले रीडिंग हो गई, हाँ, सिर्फ रीडिंग, हाँ, लेकिन वाइब्रेशन बहुत बढ़िया बन जाता है क्लास का। रीडिंग करने मात्र में भी कभी कभी बहुत वाइब्रेशन बढ़िया बन जाता है, सुनने वालों के अंदर से ये निकलता है, गदगद हो जाते हैं, आज की मुंडी बहुत अच्छी चली, जबकि है सिर्फ रीडिंग। सोल का प्रभाव होता है, सोल का प्रभाव होता है, अपने सोल का, इस सोल का। सबसे ज्यादा प्रभावशाली सोल कौन सी है? राम जी। उससे ज्यादा प्रभावशाली कोई नहीं है। हाँ, फिर सारी डोरी एक के हाथ में है, न राम के हाथ में है न कृष्ण के हाथ में, सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। It's
शिव और शिव बाबा का मीनिंग शिव प्लस राम सोल है या मतलब साकार में निराकार? साकार में निराकार तो है लेकिन साकार मुर्दा नहीं है, चैतन्य है, लेकिन काम करने वाली आत्मा राम की नहीं है, शिव की आत्मा। फिर जो भी पार्ट बजा रही हो देखने में लगता हो अच्छा पार्ट है, देखने में लगता हो खराब पार्ट है। जिम्मेवारी किसकी? शिव। तो सारा ही शिव बाबा का पार्ट हो गया। ठीक है, है समाधान हो गया सब? पर्सनल है? एक एक बैठना नहीं, नहीं। क्या पर्सनल रह गया, सारा तो शिव बाबा का हो गया। सब कुछ तो वही कहा, सब कुछ नहीं, फिर पर्सनल कहाँ रह गया? फिर भी रह गया, होता मिल गया, पोता में लिखा हुआ होता है वो दे दीजिए। साकार भगवान नहीं है, है? मेरे बिंदी का ही नाम शिव है। नहीं, नहीं, का साकार भगवान कृष्ण नहीं है, तो शिव साकार भगवान कैसे है? कैसे? तो ये मतलब मुरलियों में किस तरह से आया है? शंकर का पार्ट क्लियर कर दो, साबित कर दो, अव्यक्त वाणियों में ढेर ऐसे महावाक्य आए हैं कि बाप दादा का साकार पाठ चल रहा है। वो तो अलग बात है, साकार बाप है। तो बोल सर, मैं ये कह रहा हूँ, एक है निराकार, दूसरा है साकार बाप। एक है निराकार माने बिंदु, हाँ, बिंदु शिव, बिंदु कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो गीता का भगवान साकार कैसे बनता है? प्रवेश करके बनता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो साबित कर दो। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, दो बाप तो दो है ना, मतलब साकार बाप के बारे में, साकार बाप को एस्टेब्लिश करना है ना। नहीं, साबित, साबित। हाँ, क्लियर, क्लियर करना है, साबित क्लियर करना है कि वो निराकार कैसे मुकर्र रथ में प्रवेश करके कार्य कराता है। वो मुकर्र रथ क्लियर हो गया, वो निराकार साकार हो गया। मतलब निमित्त बना बाप, बाप निमित्त, तो निमित्त माने साकार। हाँ, निमित्त बना साकार बाप। हाँ, से हाँ। लेकिन मुरलियों में कभी ऐसा आया कि शिव साकार भगवान, मतलब शिव माने बिंदी, मेरा नाम है शिव, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और सबके नाम शरीर के ऊपर होते हैं, चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी हो, हनुमान हो, गणेश हो, सब के नाम शरीर के ऊपर। सिर्फ एक ही आत्मा है जिसका आत्मा का नाम है, वो है शिव। लेकिन साकार है बोला है तो मुकर्रर रथ में होगा, मुकर्रर रथ में प्रवेश करेगा तो साकार होगा। लेकिन मुरली में कहीं मतलब ऐसा, मतलब बोलते हैं ना कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब बोला गया कि शिव है, शिव साकार भगवान है, ऐसा बोला। शिव साकार भगवान ऐसे लिखा ना, मतलब गीता का जो भगवान है, गीता का सर्वनाइजर है, वो साकार होगा या निराकार होगा? फिर गीता ज्ञान कैसे देगा साकार बने बगैर? नहीं, मुरलियों के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मुरलियों के हिसाब से, मुरलियों के हिसाब से
गीता ज्ञान दाता जब तक साकार नहीं बनेगा तो ज्ञान देगा कैसे, दाता कैसे बनेगा? दाता देने के लिए तो उस बिंदु को किसी शरीर में प्रत्यक्ष होना, लेकिन दादा लेखराज से डिफरेंशिएट करने के लिए प्रत्यक्ष कहाँ हुआ? नहीं, डिफरेंशिएट करने के लिए यही दादा लेखराज जो है वो ब्रह्मा की सोल है, उसके मुख से जो कुछ बोला गया वो उन्होंने ही नहीं समझा, ये डिफरेंस हो गया। इसलिए ब्रह्मा के फोटो नहीं बनते, चित्र नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, विष्णु के और शंकर के मंदिर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा भी है। जो भी मुरलियां चली हैं उनको वो पाठधारी समझते हैं अच्छी तरह से, ब्रह्मा ने नहीं समझा। ढेर सारे वाक्य ऐसे हैं जो मुरली में बोले गए हैं लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं, मतलब ये मैच्योर बुद्धि है ऐसे करके बोलना। हाँ, बालिग और नाबालिग की बात है, वो बच्चा बुद्धि है। मुरली तो है उनके मुख में, मुरली तो है लेकिन काठ की मुरली है, कठ बुद्धि है, चैतन्य मुरली है, कठ बुद्धि है। इसलिए भक्ति मार्ग में काठ की मुरली उनके मुंह में दिखाते हैं, कृष्ण के मुख में। ठीक है।